कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने को लेकर पहली बार विदेश में बयान दिया है। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पहला व्यक्ति बनूंगा जिसे मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिलेगी और लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ेगी। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि लेकिन राजनीतिक तौर पर इससे मुझे ज़्यादा बड़ा मौका मिला है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में समूचा विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थाओं पर कब्जा है, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए कुछ महीने पहले हमने पूरे भारत में यात्रा करने की सोची। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, यहाँ 3 शहरों में उनका कार्यक्रम है। इसी क्रम में बुधवार यानी 31 मई को वो कैलिफोर्निया की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारत समुदाय के छात्रों से बात की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। राहुल गांधी ने कहा, साल 2000 में जब उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी तो नहीं सोचा था कि इस स्थिति से गुजरेंगे। जो राजनीति में आने के समय सोचा था और आज जो चल रहा है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। संसद सदस्यता के जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ संभव है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इसने मुझे बड़ा अवसर दिया है, शायद जो अवसर मेरे पास होता उससे बहुत बड़ा है। राजनीति इसी तरह काम करती है। इसी साल में मार्च में सूरत कोर्ट से आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया था। राहुल गांधी ने सजा को सत्र न्यायालय में चुनौती भी दी है। विदेश से सपोर्ट मांगने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, मैंने कभी किसी से कोई सपोर्ट नहीं मांगा, मैं एकदम स्पष्ट हूँ, ये हमारी लड़ाई है, यहाँ के भारतीय छात्रों से रिश्ता रखना चाहता हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री क्यों ऐसी जगहों पर आकर के लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते।